क्या आप जानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा कर सकता है? जी हाँ, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन आ रहा है 6 जून जेठ अमावस्या। इस दिन किए गए उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और आपके घर में खुशहाली ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल से कैसे इस विशेष दिन पर आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके घर में यदि पितृदोष है और आपको यह अनुभव हो रहा है कि हमें पितृदोष से मुक्ति पाना है, तो उसके लिए उपाय क्या करें? जेठ माह के अमावस्या तिथि जो है, जेठ महीना 6 जून को अमावस्या पड़ रहा है, तो 6 जून को आप सबसे पहले तिथि का तर्पण करें। पंडित नंदकिशोर मुद्गल के अनुसार इस साल जेठ अमावस्या पर कई शुभ योग बन रहे हैं। शिववास, सर्वार्थ सिद्धि योग और धृत योग का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन को और भी खास बनाता है। गंगा स्नान के बाद पितरों की पूजा करने से आप उनके आशीर्वाद से कृतार्थ हो सकते हैं। अगर पितरी की कृपा आपके ऊपर रही तो हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तर्पण में तीन अक्षर ज होना अति आवश्यक है, तो तीन ज से यदि आप सादा पुष्प लेकर के यदि पितरी को तर्पण करते हैं और पितरी कवच का पाठ करते हैं या ब्राह्मणों से कराते हैं, तो आपके घर में जो पितर दोष लगा हुआ है, जो पितरी आपको तंग कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो पितरी तृप्त हो जाएगी। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पितरी का तर्पण करें। पितरी तर्पण में घी, जौ और अक्षत का होना अति आवश्यक है। पितरों को सफेद पुष्प अर्पण करें और पितरी कवच का पाठ करें या ब्राह्मणों से करवाएं। ऐसा करने से पितरी दोष से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ध्यान रहे, अमावस्या के दिन पितरी तर्पण अवश्य करें और इसमें भी 12 महीना में यह जेठ महीना जो है यह सर्वोपरि माना जाता है, सबसे बड़ा माह माना जाता है, इसलिए इसका नाम जेठ पड़ा है। तो जेठ महीने का जो अमावस्या है उस दिन आप पितरी का तर्पण करके पितरी कवच का यदि पाठ करते हैं तो आपको पंडित मुद्गल का कहना है कि इस दिन किए गए उपाय आपके सभी दुखों को समाप्त कर सकते हैं और आपके घर में कभी भी गृह कलेश नहीं होगा। घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और पितरों का आशीर्वाद हर समय आपके साथ रहेगा। तो इस जेठ अमावस्या 6 जून को पितरों को प्रसन्न करने के इन उपायों को जरूर अपनाएं और अपने जीवन में खुशहाली का अनुभव करें। ऐसे ही और अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।